अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गुड एंड टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। आई एम योर टीचर महक वकार एंड वील स्टडी इंग्लिश टुगेदर। सो दिस इज़ योर बुक ऑफ ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश फॉर ग्रेड 5। ऑल ऑफ यू शुड हैव योर बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड ऑल ऑफ यू मस्ट हैव योर इंग्लिश कॉपीज ऑल्सो विद यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आर टूडेज वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपना पिछला लेसन रिवाइज कर लेंगे। एज यू ऑल ऑफ यू नो दैट वी हैड स्टार्टेड यूनिट नंबर 1। पेज नंबर 2, एक्सपेडिशंस। सो वी हैड डन द वर्ड्स मीनिंग इन आवर कॉपीज। सो लेट्स रिकैप्चुलेट ऑल दोज वर्ड्स मीनिंग विद द हेल्प ऑफ फ्लैश कार्ड्स, सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए और थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लें कि हमने पिछले लेसन में क्या किया था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Our first word was expedition. Expedition का मतलब है सफर या मुहिम, a short journey. Then we had equipment. Equipment means सामान, instruments, things, कोई भी चीज. Then we had cliff. Cliff means a very steep rock, pahadi. And cliff ke liye aapko you have to keep in mind that cliff is a small steep rock by the side of the sea. Samundar ke kinare pe jo aapko chote chote rocks, chote chote pahadiyan nazar aati hain, those are called cliffs. Then we had sledge. Sledge is a vehicle mounted on runners and pulled by dogs on snow. लकड़ी का गाड़ी पर बर्फ पर कुत्तों की मदद से खींची जाती है। लकड़ी की गाड़ी जो बर्फ पर कुत्तों की मदद से खींची जाती है, एक बर्फ के ऊपर चलाई जाने वाली लकड़ी की गाड़ी है जो कि कुत्तों या घोड़ों की मदद से चलाई जाती है। दैट इज कॉल्ड अ स्लेज। देन वी हैव कंपस। कंपस इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द डायरेक्शंस, सिमतों का तायुन करने वाला आला। देन नेक्स्ट वी हैव सैटेलाइट। सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल इक्विपमेंट दैट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ ऑन द और द मून। आर्टिफिशियल इक्विपमेंट दैट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ और द मून, मस्नुई सियारा। Then we have bumpy. Bumpy means nahamwar, full of rough bouncy jumps. Aisi satah ya aisi, for example, aap example le sakte hain sadak ke, aisi sadak jo ke bahut rough hai, which is full of jumps, is a bumpy road. Then we have explorer. एक्सप्लोरर मीन्स डिटेक्टिव, खोजी, ऐसा इंसान जो कि जिसको चीज़ें सर्च करने का शौक हो, दैट इज कॉल्ड खोजी या फिर डिटेक्टिव। देन वी हैव फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स बाय फ्रीजिंग, जिस्म के अज़ा का सर्दी की वजह से माउफ हो जाना। बहुत जब सर्दी होती है, व्हेन इट्स फ्रीजिंग कोल्ड, तो आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं दोज गेट फ्रोजन। तो फ्रीज हो जाने की वजह से आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, तो सर्दी की वजह से बिल्कुल मऊफ हो जाते हैं। तो दैट डिजीज इज कॉल्ड फ्रॉस्ट बाइट। एंड द लास्ट वर्ड इज बीच।
बीच इज एन एरिया ऑफ सैंड स्लोपिंग डाउन टू वाटर ऑफ सी, या फिर साहिल जिसको आप समुन्द्र के किनारे पे जो रेतीली जगह होती है या रेतीली जगह रेतीली जमीन होती है, दैट इज कॉल्ड साहिल. सो बीच इज साहिल. सो दीज वर सो आर टूडेज वर्क इज रिलेटेड टू सेंटेंसेज. वी हैव टू मेक 5 सेंटेंसेज एंड दिस वुड बी योर होमवर्क फॉर टूडे. सो ओपन योर न्यू पेज, राइट डाउन टूडेज डे एंड डेट एंड देन राइट डाउन होमवर्क. यूनिट नंबर 1 पेजेस 2 to 7, द यूनिट नेम एक्सपीडिशन एंड मेक 2 कॉलम्स ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेज. सो आर फर्स्ट वर्ड इज एक्सपेडिशन. जैसा कि आपको मैंने बताया था, एक्सपेडिशन इज अ शॉर्ट जर्नी, सफर या मुहिम. सो आप लोग इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, द एक्सपेडिशन टू नांगा पर्वत वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. या फिर यू कैन मेक, वी वेंट टू एन एक्सपेडिशन टू द मार्गला हिल्स. यू हैव टू मेक सेंटेंसेज ऑफ योर ओन. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स और यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर सिबलिंग्स, बट मैंने आपको आइडिया दे दिया. यू हैव टू मेक योर ओन सेंटेंसेस. ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज क्लिफ. क्लिफ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि समुंदर के किनारे पे छोटे छोटे पहाड़, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, स्टीप रॉक्स अलोंग द सी. सो क्लिफ का सेंटेंस इस तरह से बन सकता है, जैसे कि क्लिफ्स ऑफ कराची बीच आर वेरी स्टीप. या फिर आप बना सकते हैं, देर आर मैनी क्लिफ्स अलोंग द बीच. सो यू कैन मेक शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेज लाइक दीज. सो द नेक्स्ट वर्ड इज स्लेज. स्लेज मैंने आपको बताया था कि स्नो के ऊपर जो है वो लकड़ी ही बनी हुई एक गाड़ी, कह लें कि गाड़ी जैसी, गाड़ी नुमा एक चीज होती है जो कि आपको हॉर्सेस या फिर डॉग्स जो हैं वो रन करते हैं, स्लेज को खींचते हैं. ठीक है, सो स्लेज का सेंटेंस बन सकता है, व्हेन रिवर इज फ्रोजन कम्युनिकेशन इज मेड बाय स्लेजेस. या फिर आप इस तरह से भी बना सकते हैं, दे यूज स्लेजेस ओवर द आइस हमक्स एंड थ्रू द सॉफ्ट स्नो. इस तरह से आप कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं, बट यू हैव टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, ऐसा सेंटेंस बनाएं विच इज शॉर्ट, विच इज सिंपल, बट इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड. ठीक है, सो आवर नेक्स्ट वर्ड वुड बी एक्सप्लोरर. एक्सप्लोरर मैंने आपको बताया था डिटेक्टिव या फिर खोजी. एक्सप्लोरर्स वेंट टू द नॉर्थ पोल. ठीक है, या फिर आप इस तरह से बना सकते हैं, किसी भी आप एक्सप्लोरर का नेम लेके कह सकते हैं, ही वॉज एन एक्सप्लोरर. फॉर एग्जाम्पल, जॉन चार्ल्स वॉज एन अमेरिकन एक्सप्लोरर. ठीक है, सो द लास्ट वर्ड वुड बी बीच. बीच, साहिल, समुंदर का किनारा. ठीक है, सो देर इज अ लवली बीच दैट स्ट्रेचेज माइल्स अलोंग द ब्लू अटलांटिक. ठीक है, देर इज अ लवली बीच दैट स्ट्रेचेज अलोंग द ब्लू अटलांटिक. या फिर आप इस तरह से भी बना सकते हैं, आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू स्टे इन अ बीच हाउस. ठीक है, सो इस तरह के आप लोगों ने छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस बनाने हैं, बट दे शुड बी मीनिंगफुल. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन. सो स्टूडेंट्स, बिफोर वाइंडिंग अप द लेसन, हम लोग एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे साथ. आई रिपीट द वर्ड्स और आप लोग उसको एज इट इज रिपीट करने की प्रैक्टिस करेंगे. You will listen to the words and then you will try to repeat these words. So this activity is going to be very interesting. I'll repeat the words and I'll pronounce the words. आप लोगों ने carefully उसकी pronunciation सुननी है और आपने फिर उसको खुद से घर पे practice करनी है. So these are some words related to expedition. ठीक है, हम लोग इन words को स्टडी करेंगे और इनको प्रोनाउंस करने की भी कोशिश करेंगे. सो फर्स्ट वर्ड इज कैन ओपनर. कैन ओपनर.
देन सेकेंड वर्ड इज स्लेज, स्लेज. वी हैव डी साइलेंट हेयर एंड वी विल नॉट प्रोनाउंस द लेटर डी, स्लेज. देन वी हैव बैग पैक, बैग पैक, बैग पैक. देन वी हैव डे पैक, डे पैक. देन वी हैव आइस एक्स, आइस एक्स. देन वी हैव कंपस, कंपस. देन वी हैव स्टोव, स्टोव. लास्ट वी हैव स्लीपिंग बैग. सो दीज आर द वर्ड्स. आप लोग इनको रिपीट करने की कोशिश करेंगे एंड यू विल ट्राई टू प्रोनाउंस देम. सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे. यू हैव टू मेक सेंटेंसेस ऑफ दीज फाइव वर्ड्स एंड in the next lesson we'll move on towards our reading. We'll read out the unit and then we'll start with the question answers. So all of you should do your homework. Till then, Allah Hafiz and goodbye. Take care of yourself.